देखिए 15 नंबर, एक पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना 13 नंबर, उसी के तरह है। ए बराबर में देखो यहाँ पर एक आविहू दिया है 3/3 को, देखे हमें इसे प्रूव करना है, पहले दर्शाना है और फिर इसी के सहायता से हमें ए इनवर्स भी निकालना है। तो पहले इसको दर्शा लेते हैं। तो यहाँ देखो ए क्यूब है, ये 3/3 ऑर्डर का है, तो पहले मैं ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाल लेता हूँ, फिर LHS लेके रखूंगा, नहीं तो इसको सॉल्व करने में बहुत लंबा जाएगा, जगह हम लोग के पास नहीं बचेगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ और फिर हम लोग ए क्यूब निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए दो बार इंटू करना होगा, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, यही ना दिया है, चलिए और इंटू में फिर से आपका ए ही है, तो ए का फिर से वैल्यू रखो 1 1 1 1 2 -3, फिर आपका है 2 -1 3, ठीक है। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले, चलिए देखिए पहले रो में पहले कॉलम से तो 1 + 1 + 2, फिर दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आ जाएगा 1 + 2 - 6, तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आपका आ जाएगा 2 - 1 + 6। चलिए पहले रो में फिर अब दूसरे वाले कॉलम से करते हैं, दूसरे वाले कॉलम से तो आपका 1 + 2 - 1, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 1 + 4 + 3, देखिए दूसरे रो में दूसरे कॉलम से 1 + 4 + 3, अब देखिए तीसरे रो में फिर दूसरे ही कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 - 2 - 3, देख रहे ना, तीसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से किए तो 2 - 2 और -3, अब पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 1 - 3 + 3, फिर आपका दूसरे वाले रो में तीसरे वाले कॉलम से तो 1 - 6 - 9, देखिए इसमें इसे करें तो 1 - 6 - 9, तीसरे रो में तीसरे कॉलम से तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 + 3 + 9। चलिए यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर आपका क्या निकल के आता है, यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, फिर आपका 2, फिर आपका 1, यहाँ पे देखो क्या होगा 2 1 3 3 में से 6 गया, माइनस का 3 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है, चलिए 8 हो जाएगा, देख रहा है ना 4 3 7 1 8, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 - 14 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 7, देख रहे ना 6 2 8 में से गया 7, 2 2 कट गया माइनस का 3, और यहाँ देखो 9 3 12 2 14, ये ना आएगा, यानी ए स्क्वायर निकाल दिया। अब ए क्यूब निकालने की बारी, ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने निकाला है 4 2 1 - 3 8 - 14 7 - 3 14, और इंटू में ए, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यही वाला ऊपर जो लिखे थे 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3, यही ना है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं, चलिए देखिए पहले रो में पहले कॉलम से तो 4 + 2 + 2, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आएगा माइनस का 3 + 8 और -14 × 28, ठीक है। अब तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो आपका आ जाएगा पहले ही कॉलम से तो 7 - 3 + 28 7 - 3 और + 28, अब देखिए पहले रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से करते हैं तो आपका आ जाएगा 4 + 4 - 1, पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो 4 + 4 - 1, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो -3 + 16 + 14, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से -3 8 × 16 + 14, तीसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से तो आपका हो जाएगा 7 - 6 - 14, देख लो तीसरे रो में यहाँ पर दूसरे कॉलम से तो 7 - 6 और - 14, अब पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करो तो आपका आ जाएगा 4 - 6 + 3, देख रहे ना 4 - 6 + 3, दूसरे रो में तीसरे कॉलम से तो आपका आ जाएगा -3 8 3 24 और 14
42। ये ना हो जाएगा, देखो इसमें इसे कर रहा है तो माइनस का 3 माइनस का 24 और 14 42। ठीक है, चलिए तीसरे रो में तीसरे कॉलम से तो 7 प्लस का 9 देख रहे हैं ना, और 14 42। ध्यान से देखो इसमें से किए 7 आ गया, -3 -3 +9 हो गया और 14 42 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 1³ निकल जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे देखो क्या होगा 4 3 7 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस का है ना जुड़ेगा तो 28 और 3 31, 31 में से 8 जाएगा तो 31 में से 8 जाएगा 23 हो जाएगा ना जी, 31 में से 8 जाएगा 23 आ जाएगा माइनस का 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी घटा सकते, इसमें से घटाएंगे माइनस का 20 और माइनस का 3 23। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो यहाँ 16 है और ये माइनस का 3 है तो घटेगा तो 13, 13 में 14 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 में से 3 गया 27। यहाँ देखो ये तीनों माइनस का जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ देखो 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 3 9 और 4 2 6 1 7 माइनस का 79 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, देख सकते हो 69 होगा, सॉरी माइनस का 69, समझ रहे ना कैसे हो रहा है। यहाँ पे देख लो 4 2 6 6 3 9 और 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसमें से इसको घटा देते हैं तो 4 24 और 4 32 हो जाएगा। ठीक है, घटा था 4 24 और 4 32 हो गया। यहाँ पे देखो 14 6 20 माइनस का 20 में से ये 7 घट जाएगा तो माइनस का 13। अच्छा ये तीनों प्लस का जोड़ देते हैं तो 9 2 11 11 और 7 18 का 8 1 और 4 1 5 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये जो हमारा निकला है ए क्यूब है और ऊपर हम लोग ए स्क्वायर निकाले हैं तो इन दोनों को पहले याद रखेंगे, इसको हम लोग लेकर अभी वैल्यू रखेंगे, ए लेकर एलएचएस लेकर उसमें ए क्यूब और ए स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में यहाँ लिखेंगे एलएचएस, एलएचएस में दिया है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 a + 11 एड आई इक्वल टू हमें 0 मैट्रिक्स प्रूव करना है। चलिए देखते हैं ए क्यूब का वैल्यू, तो ए क्यूब का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए क्यूब का वैल्यू शुरू में और छोटा लिखते हैं, साइड से लिखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ए क्यूब यहाँ पे निकाल चुके हम लोग, क्या था 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69, फिर आपके पास था 32 - 13 58। ठीक है, और -6 a² का वैल्यू क्या था, तो ए स्क्वायर का वैल्यू है आपके पास 4 2 1 -3 - 3 8 -14 फिर है 7 - 3 14 +5 a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यही आ जाएगा 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3 और प्लस का 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके लिए 3 by 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना होगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका वैसे ही छोड़ दो ना, 8 7 1 -23 -23 27 -69, थोड़ा अलग लिखेंगे तो ठीक रहेगा, 27 - 69 अच्छा 32 फिर माइनस का 13 और 58। 6 से इसमें गुना करना है सब में ना, चलिए 6 से गुना करते जाते हैं, 6 चौका 24 6 दूना 12 6 6 3 18 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पे और 8 6 48 इसमें 114 है ना, यही ना हो जाएगा। चलिए ओहो 84 नहीं आएगा, 14 6 84 आएगा, सॉरी माफ करना, इसमें से इंटू करना है ना जी। चलिए और फिर यहाँ पे देखो इसमें इसे इंटू करेंगे तो 6 7 42 42 और 6 3 18 और 14 6 84 ये ना होगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 5 से इसमें सब में इंटू करना है,
5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 और 15। 11 में सबसे इंटू करना है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। चलिए अब यहाँ पे देखो, प्लस वाले को देखते हैं, यह देखो और यह देखो, तीनों को। तो 11 5 16 और 16 और 8 24 हो जाएगा, ठीक है। और यह -24 है, तो मैं सीधे लिख दूं क्या, जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट जीरो लिख सकता हूँ ना। यहाँ देखो 7 और 5 12 और 12 में से 12 गया 0, 1 और 5 6 6 में से 6 गया 0, वहां तो 0 ही है ना जी। यानी कि आप सिंप्लीफाई करके देख लो, माइनस का 23 और यहाँ पर है प्लस का 5, तो घटेगा, ये -18 और यहाँ -18 है, घटेगा तो 0 आ जाएगा। 27 और 10, 37 और 37 और 11 48 48 में 48 गया 0, यानी कि ये सब 0 0 0 आ जाएगा। तो हमें साबित कर दिया कि यह एक जीरो मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसी समीकरण के सहायता से ए इनवर्स भी निकालेंगे, देखिए अब कैसे। चलिए, तो जो हमारे पास समीकरण दिया ना, इसको पहले लिख लो, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था, और इसके बाद ए इनवर्स से इंटू कर देंगे। 6a³ - 6a² + 5a + 11i = 0 लिखेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पर चलिए देखते हैं क्या आता है। a² हो जाएगा, बाद में अगले स्टेप में देखा जाएगा। चलिए, ए इनवर्स यहाँ भी इंटू, -6a² (a² + 5a (a² + 11i (a² = 0 (a²). तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6a हो जाएगा, यहाँ पे 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और प्लस 11 ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स इंटू होगा तो वही आ जाता है, और यहाँ जीरो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। चलिए, ए स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग शुरू में निकाले थे, ए स्क्वायर वो रख देते हैं 421, याद होना चाहिए, मैंने ऊपर आपको बता रखा है, 8 - 14 7 - 3 और 14, ठीक है। और -6 a का वैल्यू, तो ए का वैल्यू जो आपके पास मैट्रिक्स दिया है वही ना, 111, आगे क्या है यार देख लेने दो, 111 12 - 3 1 2 - 3 और फिर 2 - 1 3, ठीक है, यही ना दिया है, 111 12 - 3 1 2 - 3 और 2 - 1 3 2 - 1 3 प्लस 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही 100 010 001 और प्लस में 11a² = 0 मैट्रिक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक काम करते हैं, इसको तो पहले वैसे लिख दो, 4 - 421 - 3 8 - 14 7 - 3 14, 6 में सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 6 6 6 12 - 18, फिर आपका आएगा 12 - 6 6 3 18, यही ना हो जाएगा। चलिए, सब में 6 से इंटू हो गया, और यहाँ 5 में सबसे इंटू करना है, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और प्लस में 11a² = 0 मैट्रिक्स। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो क्या होता है, यह प्लस वाला जुड़ेगा और इसमें से इसको घटाएंगे, तो 5 4 9 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। अच्छा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 2 में से 6 जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 1 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 1 में से 6 जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखो, अब आगे देखते हैं, इसमें और इसमें, तो यह -3 - 3 में से 6 घटाएंगे, तो -9 हो जाएगा, 8 8 और 5 13, देख लो 8 5 13 13 में से 12 गया, 1 आ जाएगा, -14 और 0 -14 - 14 में से -18 जाएगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। चलिए, 7 में 0 7 7 में से 12 घटेगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा, -3 और 0 -3 में से फिर माइनस का 6 घटेगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, 14 और 5 19 19 में से 18 जाएगा, आपका प्लस का 1 आ जाएगा, और इन प्लस में 11a² = 0 मैट्रिक्स। तो इसको उधर ले जाएंगे, सबका साइन बदल जाएगा, तो हो जाएगा 11a² = यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
माइनस का 3, 4, 5 सबका साइन बदल रहा है, 9 - 1 - 4 प्लस का 5 - 3 - 1 और 11 लेके चल जाएंगे डिवाइड में, तो यहां से हमारा ए इनवर्स बराबर में आ जाएगा 1/11 इंटू में माइनस का 3, 4, 5 - 1 - 4 5 - 3 - 1 ये आपका ए इनवर्स निकल गया। इसका अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है लेकिन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। देखो ये बता दिया, आप उसको भी बना सकते हो ऐसे ही इसी तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बचे हुए क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर